इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसलिंग के सबसे बड़े इवेंट के बारे में, रेसलमेनिया। मतलब बात करेंगे कोई ऐसी 7 गलतियां जो रेसलमेनिया में हुई हैं और वो शायद आपने नोटिस नहीं की होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो 7वें पर है ब्रॉन स्ट्रोमन। हमें पता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन ने एक बच्चे को पिक किया था एज ए टैग टीम पार्टनर। बच्चे का नाम था निकोलस और निकोलस है WWE रेफरीज के जॉन कोन के बेटे। तो यहाँ गलती ये है कि जब ब्रॉन स्ट्रोमन को पिक करना होता है अपना पार्टनर और ब्रॉन स्ट्रोमन पूछते हैं कि वो आप में से ही है जो मेरा पार्टनर बन सकता है, और उस वक्त ब्रॉन स्ट्रोमन ये भूल गए थे कि निकोलस कहाँ बैठे हैं। जी हाँ, ये बात सच है, ब्रॉन स्ट्रोमन ये बात भूल गए थे और इसी वजह से ब्रॉन स्ट्रोमन को पार्टनर ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग गया। और बाद में कोई सिक्योरिटी गार्ड ने ब्रॉन स्ट्रोमन को इशारा किया और तब जाकर ब्रॉन स्ट्रोमन को पता चला। तो अब बात करते हैं 6ठी गलती की। तो 6ठी गलती है एजे स्टाइल्स की, पर इसमें एजे स्टाइल की कोई गलती नहीं है। मतलब रेसलमेनिया में जब एजे स्टाइल का शिंसुके नाकामुरा के साथ मैच होना था और जब एजे स्टाइल्स अपनी एंट्रेंस कर रहे थे, तब उनकी एंट्रेंस पर WWE चैम्पियन की जगह यूनिवर्सल चैम्पियन लिखा हुआ था। आप इस फोटो में देख सकते हैं। ये भी एक बड़ी गलती है WWE से, क्योंकि इतने बड़े स्टेज पर ऐसी गलती होना WWE को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो अब बात करते हैं 5वीं गलती की। तो 5वें नंबर पर हैं अंडरटेकर और जॉन सीना। जी हाँ, ये पहली बार हुआ है कि अंडरटेकर किसी मिस्टेक में आए हैं। मिस्टेक है कि अंडरटेकर का बिग बूट। जी हाँ, जब अंडरटेकर जॉन सीना को बिग बूट मारने लगते हैं, तब अंडरटेकर का पैर जॉन सीना के सिर से बहुत दूर रह जाता है, देख सकते हैं। और इसके बाद जॉन सीना को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो भी खड़े नहीं हुए और इसके साथ ये बन गई एक बड़ी गलती। तो अब बात करते हैं 4th नंबर की। तो 4th नंबर पर है ब्रॉक लेजनर। जी हाँ, जब रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेजनर के मैच के बीच जब ब्रॉक लेजनर रिंग से नीचे आए और तब ब्रॉक लेजनर ने डिलीवर की रोमन रिंग्स को बेली टू बेली सुप्लेक्स, और उस बेली टू बेली सुप्लेक्स का सारा इंपैक्ट रोमन रिंग्स की गर्दन पर आ गया और इससे रोमन रिंग्स इंजर्ड भी हो सकते थे। जैसे कि हमें पता ही है कि WWE के डॉक्टर्स नेक की इंजरी को ज़्यादा सीरियस लेते हैं और नेक इंजरी की वजह से ही कई बड़े बड़े सुपरस्टार रिटायर भी हुए हैं, एज डैनियल ब्रायन जैसे। लेकिन रोमन रिंग्स की किस्मत अच्छी थी, वो बच गए और ये बेली टू बेली सुप्लेक्स WWE रेसलमेनिया की मिस्टेक में आ गई। मिस्टेक हुई माइकल कॉल से। जी हाँ, रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच चलने के दौरान माइकल कॉल ने ये कहा कि एलेक्सा ब्लिस ने अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप रेसलमेनिया 22 में जीती थी। अगर हम देखें तो एलेक्सा ब्लिस रेसलमेनिया 22 के वक्त एलेक्सा ब्लिस ने यह भी नहीं सोचा हुआ कि मैं बनूंगी WWE की कोई डीवा। तो ये भी बड़ी गलती हुई है माइकल कॉल से रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज पर। तो बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की। तो दूसरे नंबर पर हैं रोंडा रोजी। जी हाँ, रोंडा रोजी से भी रेसलमेनिया में हल्का सा बोझ हुआ, और वो था जब वो स्टेफनी मिगमैन को स्विंगिंग नेक ब्रेकर डाल रही थी। तब हमें ऐसा लग रहा था कि रोंडा रोजी ने पूरी तैयारी की है रेसलमेनिया के लिए, पर कोई ना कोई गलती तो जरूर हो जाती है। यानी जब रोंडा रोजी स्टेफनी मिगमैन को स्विंगिंग नेक डालने लगी, तब वो मूव उनसे फेल हो गई और उस फेल मूव को उन्होंने कवर करने के लिए उन्हें स्टेफनी मिगमैन को दी बैक सुप्लेक्स। वैसे तो ये हल्की सी गलती थी, पर मिस्टेक में ये भी आ गई। तो अब बात करते हैं पहले नंबर की। तो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है WWE से, और वो थी अंडरटेकर और जॉन सीना का पूरा मैच। ये एक मिस्टेक नहीं, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। हाँ, WWE ने जॉन सीना जैसे एक बड़े लेजेंड को हरवा दिया लगभग 2 मिनट में अंडरटेकर से। मैच का रिजल्ट तो सबको पता था कि अंडरटेकर ही जीतेंगे, पर WWE ने जॉन सीना को इतनी बेइज्जती से हराएगी, ये हमने किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा। जॉन सीना 16 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन और वो एक बड़े सुपरस्टार हैं। अगर WWE इस मैच को बड़ा कर देती तो रेसलमेनिया बन जाती और भी इंटरेस्टिंग। ये मैच एक ड्रीम मैच था 2-3 सालों से, और ये ड्रीम मैच 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ये किसी ने भी सोचा नहीं होगा। और इसको भी मैं एक बड़ी मिस्टेक मानता हूँ जो कि हुई है WWE से। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और WWE की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबा दें। Like a big hill star.